मजदूर भाइयों में और बहनों में डर का माहौल है कि उनकी नौकरी न छूट जाए, तो इसीलिए बड़े मुश्किल से कई कई मजदूर भाइयों और बहनों ने अपने नाम नहीं बताया। और कई जो आप देखेंगे जो जानकारी हम पूछ रहे हैं वो काफी काफी गंभीर जानकारी है, तो वो कई बार दे नहीं पाए। तो इसीलिए जो हुए हैं इसमें दिखा रहा है कि ये जो पहला जो टेबल है इसमें दिखा रहा है कि कौन कौन से कितने कितने मजदूर एक एक फैक्ट्री में। जो हमारा प्रयास ये था कि कम से कम एक फैक्ट्री से 10 मजदूर हो ताकि उस फैक्ट्री में क्या चल रहा है उसका अच्छे से पता चले। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल 81 फैक्ट्रियों का हमने सर्वे किया है, जिसमें से अगर हम 8 भी मान ले कि 8 मजदूर भी अगर आ जाए तो अच्छा है, तो 26 फैक्ट्री ऐसे जिसमें 8 से ज्यादा मजदूर मिले हैं, एक बता रहा है कि क्या परिस्थिति है। यहाँ जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है, ये एक हमारे पास एक जानकारी आई थी कि महसाना जो जिला है उसमें किस किस प्रकार के उसकी कुछ जानकारी है, जो कहीं से हमको जानकारी मिली कुछ लिया हुआ था पहले कि किस किस प्रकार के कारखानाएं हैं। तो ये वो महसाना जो वर्गीकरण है उसका है, ये प्लास्टिक और रबर, नॉन मेटल, केमिकल, मेटल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब एक साथ, फिर खाने के पदार्थ बना रहा है वो, फिर लकड़ी के पदार्थ बना रहा है वो, फिर कपड़े या कोई पॉलिएस्टर उसका जो कपड़े बनते हैं वो, और आखिरी में है पेपर एंड बोर्ड ऐसे। और उसके अंदर हमने जो सर्वे किया ये हमको बाद में मिली, अभी एक दो दिन पहले ही मिली है इसलिए ये जानकारी हमने बाद में लगाया। हमने जब जो सर्वे किया वो इस प्रकार से किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितने फैक्ट्रियों में हुआ है। तो मतलब इसमें जो हमने जो सर्वे किया है उसमें प्लास्टिक में 6 फैक्ट्री थे, इसमें 7 फैक्ट्री, ऐसा सबसे ज्यादा जो हमने सर्वे किया है वो फार्मा का है, जो 18 जो केमिकल के अंदर आता है, तो 18 फार्मा के है, 100 निर्मा का फैक्ट्री है वो है, फिर एक कुछ रंग का फैक्ट्री है इस तरह का। और जो मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत सारे हैं जो कुछ मशीनिंग का काम करते हैं या एसी बना रहा है या एलिवेटर बना रहा है इस तरह का ये है। और ये उसका परसेंटेज दे रहा है। अभी ये आप देख लीजिए तुलना अगर हम कर सकते हैं कि महसाना ये जो कॉलम ये जो रो है ये महसाना जिले में कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां है वो बता रहा है। तो ये महसाना जिले का जो है केमिकल के जो फैक्ट्री है वो सबसे ज्यादा है, इसमें केमिकल फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा है। और लेकिन हमारे सर्वे में भी आप देख लीजिए कि वैसे ही आया है, हालांकि ये जानकारी हमको थी नहीं, लेकिन क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां है तो हमारे सर्वे में भी इस फैक्ट्रियों से ज्यादातर लोग आए हैं। सबसे एक चौंकाने वाली बात ये वाला है कि महसाना जिले में जो कुल फैक्ट्रियां है उसमें से कितने बंद है, वो बताता है कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है इसकी परिस्थिति क्या है। तो ये आप देख लीजिए कि सभी जगह काफी ज्यादा फैक्ट्रियां बंद है, मतलब ये 45% ये जो प्लास्टिक और रबर वाला जो क्षेत्र है उसमें 45% फैक्ट्रियां जो है बंद पड़ी है। फिर ये नॉन मेटल ये सब प्लास्टिक सेरेमिक ग्लास ये सब इसमें 31%, फिर केमिकल में भी 36% कारखाना जो है बंद पड़ी है, फिर ये बड़े हैं और ये मेटल मशीनरी ये जो एक मेजर सेक्टर है उसमें भी 45, तो ये और ये जो टेक्सटाइल्स है उसमें 60% जो है कारखाने मतलब बंद पड़े हैं, चल नहीं रहा है। तो ये हमको अंदाज देता है कि वो जो हम कह रहे थे कि मजदूर क्यों डरे हुए हैं कि ज्यादा नौकरियां ही नहीं है, तो इसीलिए एक जो किस किस उम्र के लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे भाई साथी जिनका हमने सर्वे किया है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये 18 से 30 जो है इसमें, 48 से 50% जो है इसमें है, 35 इस ये तक, और जो जो ज्यादा उम्र के लोग जो है बहुत कम है। तो ये ट्रेंड हम अभी जो देख रहे हैं पूरे जो कारखाने क्षेत्र में, यही नहीं सिर्फ कड़ी में ही नहीं पूरे देश भर में, कि जो यंग लोग हैं उनको काम में लेते हैं और जैसे ही बूढ़े होते हैं उनको काम से निकालते जाते हैं। मतलब आप सोच लो कि 40-45 के बाद आपको और नौकरी मिलेगी नहीं, उसके बाद आपको कारखाना क्षेत्र से आपको निकाल दिया जाएगा। फिर
सर्वे हुए हैं उसमें 83 महिलाएं थी और 321 पुरुष थे. और ये अगर देखें कि जाति वाइज तो सबसे ज्यादा जो है अदर बैकवर्ड कास्ट जो ओबीसी है उसमें से सबसे ज्यादा थे. और उसके बाद आपके दलित लोग थे, फिर शेड्यूल टाइप बहुत कम है और जनरल भी कम है. ये बता रहा है कि जो जो जिनका सर्वे हुआ है उनके उनपे ऊपर निर्भर कितने लोग हैं. तो ज्यादातर जो है ये 4 या 5 ये वाले ज्यादा है, इसके ऊपर भी कम है, इसके नीचे भी कम है. मतलब 4-5 4-5 इसका एवरेज मैंने निकाला नहीं हूँ, लेकिन वो है. और ये एक चीज है कि जो जितने सर्वे हुए उसमें सिर्फ 2 मुस्लिम थे, जबकि महसाना का हमने देखा कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है. तो ये जो मुस्लिम है वो कारखाने में काम करने नहीं आ रहा है, वो शायद ज्यादातर अपने ही जो गैरेज वैरेज इस तरह का जो काम करते हैं उसमें है. ये एक देखना पड़ेगा कि ये कारखाने में क्यों नहीं आ रहा है. मतलब 10% पॉपुलेशन है लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही लोग थे इसमें. और अगर एजुकेशन का देख ले तो ज्यादातर जो है स्कूल लेवल के ही लोग थे, बहुत कम जो है ऊपर है जो ग्रेजुएशन वगैरह ऐसे किए हैं. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले भी बहुत कम है जो हमारे सर्वे में आए, ज्यादातर जो है स्कूल सेकेंडरी और इसके नीचे ही है. मैंने हमारे सैंपल बहुत कम था, हमने ये भी कोशिश की एक जो जो लोगों को जो पैसा मिल रहा है उसके साथ इसका कुछ हो सकता है कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ वैसा निकला नहीं है कि ज्यादा अगर ये है पढ़ाई है तो ज्यादा ये मिल रहा है पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ इसमें से आया नहीं है. ये मैरिड जो है ज्यादातर है और अनमैरिड कम है. फिर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है ज्यादातर लोग कड़ी से ही है. ये जितने भी सर्वे में आए वो ज्यादातर कड़ी से ही है, कुछ महसाना और ये आसपास के ही लोग है. ये बाहर के जो है जैसे यहाँ से जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से कुछ बहुत कम लोग हैं. मतलब इस कड़ी क्षेत्र में कम से कम ज्यादातर लोकल मजदूरी है. हाँ, तो ये जो है कि अलग अलग तरीके के जो काम है उसमें वो दिया हुआ है कि ये प्रकार के अलग अलग प्रकार के काम है. इसमें कुछ काम है जहाँ जो सबसे ज्यादा जो है ये जो सफाई के काम है, बहुत सारे जो हमारे सर्वे में आए वो सफाई के काम करने वाले थे जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही थे. और दूसरा ये हेल्पर का, मतलब तरह तरह का हेल्पर का काम होता है, असेंबली लाइन का काम है, उसके साथ साथ कोई उसमें भी महिलाएं है पुरुषों के साथ, वो सबसे ज्यादा है. और बाकी ये सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ये जो है, क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री बहुत थे तो उसमें वो जो दवाइयों को बांटना करना, उसको पैकेज में लगाना, वो सब काम है. वहाँ भी करीब करीब महिला और पुरुष बराबर, मतलब महिला पास में ही है. कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें महिला है, लेकिन एक इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में महिला है और एक टेक्नीशियन में महिला है, एक मशीन ऑपरेटर भी महिला है. फिर हमने इनको प्रश्न पूछा था कि आपको कितने घंटे काम करना होता है, तो करीब 57% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 8 घंटे ही काम करते हैं. और कुछ लोग 5% करीब 9 घंटे काम करते हैं. और करीब 34% ऐसे हैं जो जिनको 10 घंटे काम करना होता है. और 4% ऐसे हैं जो 12 घंटे काम, शिफ्ट जो है, शिफ्ट का क्या है. और ये जो है 369 मतलब 91% ने कहा कि हमको एक दिन का छुट्टी तो मिलता तो है लेकिन उसकी उसका पैसा नहीं मिलता है, तो उसका पैसा कट जाता है जो एक दिन. सिर्फ 12 थे जिन्होंने कहा कि हमको पैसा सहित वीकली ऑफ मिलता है, एक दिन जो छुट्टी मिलता है उसमें है. और बाकी 23 लोग ऐसे थे जिनको कभी भी छुट्टी, मतलब फिक्स छुट्टी नहीं है, कभी भी वो मांगे तो छुट्टी मिले लेकिन वो अनपेड है, उसमें पैसा नहीं मिलता है उनको. फिर फैक्ट्री के अंदर आप स्वच्छंद रूप से आ जा सकते हो कि नहीं, तो वो करीब 59% ने कहा कि हाँ हम जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, बाकी ने नहीं कहा. और अंदर बाहर जाने के लिए गेट पास तो 51% ने कहा कि गेट पास चाहिए होता है तो ही हम जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं. फिर ऐसे 5 लोगों ने कहा कि उनके फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं जो
14 साल से कम उम्र या 15-16 साल के उम्र के लोग काम कर रहे हैं, और 37 लोगों ने कहा कि महिलाओं को पगार समेत गर्भावस्था में छुट्टी मिलती है, ऐसे 37 लोगों ने कहा है। और ये मजदूर लोगों को नहीं मिलते हैं, उनके कंपनी में जो स्टाफ में काम करते हैं, जिनको जिनको परमानेंट लगा रखा है उनको मिलता है। ये मजदूर में जो मजदूर वर्ग में जो काम कर रहा है, जिनको सर्वे हो रहा है, उनमें से कोई ऐसा नहीं बोला कि उनको ऐसा गर्भावस्था में मैटरनिटी लीव मिलते हैं पैसे समेत। फिर 33% लोगों ने कहा कि अपने जो ये है धार्मिक प्रवृत्तियाँ है वो हम फैक्ट्री में करने जाते हैं तो ये मैनेजमेंट हमको रोकते हैं। फिर 96% ने कहा कि मैनेजमेंट के तरफ से कोई ऐसे प्रताड़ना नहीं होते हैं, वो 16 लोगों ने कहा सिर्फ कि हाँ कुछ प्रताड़ना होते हैं, और आमतौर पे ये शिकायत है कि फोटो खींचते हैं उनके, कुछ तकलीफ हुई आपका काम को लेके तो आप किसको शिकायत करते हैं। तो 72 लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को शिकायत करते हैं, उतने ही लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब वो हम बाद में आएंगे उसमें कि कितने लोग कंपनी लगा रखे हैं और कितने लोग कॉन्ट्रैक्टर लगा रखे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ है वो कॉन्ट्रैक्टर को शिकायत करते हैं, बाकी लोग कंपनी का ही कोई सुपरवाइजर होगा या मैनेजर होगा, एचआर डिपार्टमेंट का कोई होगा, उसको शिकायत लगाते हैं। फिर ये पूछा गया था कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से शिकायत करते हो कि सामूहिक रूप से जाके शिकायत करते हो, तो उसमें 218 लोगों ने बताया कि हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और बाकी 176 लोगों ने बताया कि हम सामूहिक रूप से जाते हैं इस तरह से। और यूनियन के बारे में पूछा गया था कि आपके फैक्ट्री में यूनियन है कि नहीं है, तो 38 लोग, सिर्फ 9.4% लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ यूनियन है, बाकी जितने भी हमने सर्वे किया उनका कहना था कि कोई यूनियन नहीं है। और जो इन 38 में से जो 26 है उन्होंने कहा कि वर्करों ने ये यूनियन, जो भी यूनियन था वो वर्करों ने बनाया है। और 33 लोग, इनमें से कोई भी समस्या होती है तो यूनियन के पास जाते हैं, जहां यूनियन है वहां यूनियन के पास जाके उनकी समस्या के समाधान ढूंढते हैं। और 8 ही लोग, इनमें से भी 8 ही लोग ने बताया कि यूनियन की मीटिंग उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर करने देते हैं, ऐसा करके सिर्फ 8 ही लोग बताए हैं उसमें। ये बता रहा है कि कितने कितने तनख्वाह मिलते हैं लोगों को, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है 8,000-9,000 से नीचे ही है। तो जो मिनिमम वेज है यहाँ का जो फैक्ट्रियों में वो 9,000 से ज्यादा है, अभी जो गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, तो ये दिख रहा है कि ज्यादातर लोगों को उससे नीचे ही मिल रहा है, बहुत कम लोग हैं जो उसके ऊपर 9,000 से ऊपर है। तो ये एक चीज है। इसके अलावा हमने कुछ और चीजें निकाला है उसमें कि जो पे स्लिप जो मिलना चाहिए, एक कि आपको कितना तनख्वाह है और उसमें से कितना कट रहा है, कितना पीएफ अगर कट रहा है, ग्रेचुटी वगैरह इस तरह का जो चीज है, ये सब वो सिर्फ 214 लोगों को पे स्लिप मिलता है। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि एक पे स्लिप कम से कम हमको दिखे, तो हमको कोई ने पे स्लिप नहीं दिखाया। तो यही जो मैं कह रहा था कि ये डर है कि भाई हमारे पे स्लिप का अगर फोटो का भी हमने फोटो भी ले, वो भी राजी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर उसका ये सबूत हमारे पास चला आएगा, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है कि हम उस सबूत को लेके क्या करेंगे। तो ये 200, तो ये इससे ये है कि जो पीएफ का जो सवाल है वो बोल तो रहा है कि पीएफ कट रहा है, लेकिन वो असल में कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए हमने एक कोशिश की है, रंजन बहन खुद एक किसी जगह पे काम कर रही थी तो वहां स्ट्राइक करके वो निकल के आई है, तो इनको इनका भी पीएफ का कुछ पता नहीं था। तो हमने इनका उदाहरण लेके हमने कोशिश की देखने के लिए कि पीएफ का जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम वो का, इनको कुछ एक सिर्फ इनका नंबर मालूम था, बाकी और कुछ मालूम नहीं, नंबर भी नहीं मालूम था उस वक्त, इनका सिर्फ नाम था। लेकिन ये कह रहे थे कि मेरा पीएफ में नाम है, मेरे को पैसा नहीं मिला है, जहां से भी मैं निकला हूं उन लोगों ने कुछ गड़बड़ करके और पैसा। तो हमने ये जो ऑनलाइन पोर्टल था उसमें सिर्फ इसके नाम से एक सर्च दिया और पूरा प्रक्रिया करते हुए अभी इस स्थिति में पहुंच गए कि थोड़े दिन में इनको वो पीएफ मिल जाएंगे।
तो हमने हमने ये लेकिन ये मजदूर कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो ये भी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, ये अगर मतलब इनको पे स्लिप ढंग से मिल रहा है क्या हो रहा है इस तरह से। और एक दूसरा ये जो है महिलाएं और पुरुषों के बीच में काफी फर्क है इसके, जो औसत जो इनको तनख्वाह मिलते हैं तो महिलाओं को कम से कम 3,000 रुपये, 2-3,000 रुपये के आसपास कम पैसा मिल रहा है। और एक हमने ये भी कोशिश की कि वो एक जहां महिला और पुरुष दोनों काम कर रहा है एक ही चीज में, उसमें कोई फर्क है कि नहीं। तो ये तो जनरल सभी एवरेज पूरे सारे काम को लेके, और ये पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स जो ड्रग के पैकेजिंग जो एक काफी बड़ा पैमाने पे आपने देखे होंगे कि महिला और पुरुष काम कर रहा है, वहां महिलाओं को कम मिलता है, महिलाओं को 5,000 ही मिलता है और पुरुषों को 7,000 मिलता है। तो क्लियर एक मतलब जो जेंडर विभाजन है वो इसमें है। और फिर ये जाति के हिसाब से हमने देखा है, तो यहाँ भी आप देखें कि जनरल लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, ओबीसी हालांकि संख्या में बहुत ज्यादा है लेकिन वो जनरल और ओबीसी में काफी सारा 3,500 का फर्क है। और ये शेड्यूल ट्राइब जो थोड़े बहुत है वो है, और जो दलित लोग है उनको सबसे कम पैसा मिल रहा है। तो ये क्लियर एक कास्ट डिफरेंशियल, एक जेंडर डिफरेंशियल और कास्ट डिफरेंशियल। 290 लोगों ने कहा कि स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज से कम है, और 308 लोगों ने कहा कि ठीक टाइम पे उनको सैलरी मिलते हैं, 128 लोगों ने कहा कि उनको बोनस मिलता ही नहीं है, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ कुछ मिलता है बोनस। और कुछ दूसरे बेनिफिट्स जो है वो बहुत कम मिलता है, कुछ सब्सिडाइज्ड फूड वगैरह ये सब बहुत कम ही है, मतलब वो वेज ही एक जो है जो ज्यादा उनको मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमने पूछा था कि उनके अनुसार कितना उनको मिलना चाहिए, जो सब लोगों से पूछा था कि उनकी कितनी उम्मीद है, तो उसके जो औसत है वो 17,416 है, जबकि उनको मिल रहा है 9,472, तो करीब करीब डबल, जो एक अच्छे जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए उसका करीब करीब डबल होना चाहिए, उसका आधा ही मिल रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि आपका कोई लिखित अनुबंध हो रहा है कि नहीं, आपको जो काम पे लगाया गया है उसमें कुछ लिखित अनुबंध हो रहा है कि नहीं। तो सिर्फ 39 लोगों का, इतने 404 में से सिर्फ 39 लोग हैं जिनके साथ कोई लिखित अनुबंध हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। और इसमें एक देखने लायक चीज है कि इन 39 में से 19 कंपनी, मतलब कंपनी में जो काम कर रहा है वो इतने सारे, ये टोटल जो है 73 लोग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को लगा रखा है तो उसके तरफ से वो काम कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर के जो 73 लोग हैं उनमें से 20 लोगों का कुछ लिखित अनुबंध है, और बाकी अगर 330 के आसपास जो लोग हैं जो कंपनी के साथ है उनमें से सिर्फ 19 लोग ही है। तो ये भी एक चीज है कि कोई अनुबंध नहीं है। कार्ल मार्क्स ने जो जब पूंजीवाद का जब शुरुआत हो रही थी तब वो कार्ल मार्क्स ने ये एक कहा था कि उसको एक अंग्रेजी में शब्द है प्रिमिटिव एक्युमुलेशन, कि एक बहुत सारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा एक तबका है जिनको कृषि से उखाड़ दिया गया है, कृषि में उनको नहीं मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एक बेरोजगार तबका खड़ा हो गया है, और कोई यूनियन नहीं है उस समय, कोई यूनियन नहीं है क्योंकि शुरू में आए हैं। तो इसके कारण जो ये है तनख्वाह है जो उनको वेजेस मिलता है वो बहुत कम है, इसलिए जो पूंजीपति है वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपना पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का जो पूरा दौर चला था। तो ये तो जब पूंजीवाद के शुरुआती दौर है उसके है, लेकिन आज भारत में यही परिस्थिति है जो पूंजीवादी के शुरुआती दौर में था। तो आज भी वो प्रिमिटिव एक्युमुलेशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए और फिर वो जो देश थे विकास जहां पहले हुए, पूंजीवादी विकास जहां पहले हुए, उन लोगों ने तो विकास कर गया और वहां से हमारे जैसे भारत जैसे देशों पे राज करके और बाकी अमेरिका और ये सब जगह पे लोगों को भेज के वहां थोड़े समय के लिए उन लोगों ने ये सब यूनियन और ये सब का गठन हो गया।